बुआ जी, मैं व्यापारी हूँ। सब कुछ नाप तोल के खरीदना ही मेरा दस्तूर है। यह आदत ना होने से मैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता था। मैंने उस दिन जो कहा था आज वही दोहरा रही हूँ। अपनी अंतरात्मा से कुछ भी बड़ा नहीं होता है प्रीतराम। कई दिनों से देख रही हूँ तेरी अंतरात्मा की आवाज कहीं खो गई है। बुआ जी, शायद कोई गलत फहमी हो रही है। देखिए, मैं उसे जबरदस्ती या मजबूर नहीं कर रहा बिना पैसे के जमीन देने के लिए। मैंने जो दाम दिए हैं, नीलू दासी उस दाम पर जमीन बेचने के लिए राजी हुई है। अब इसमें गलत क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है या तू समझाना नहीं चाहता? तेरी अंतरात्मा साफ है ना जुगी? तू कुछ नहीं करेगी। मैं कह रही थी अगर वो लोग बद्दुआ दे तो आपको जो ठीक लगा वो आपने किया है, ये सही है, लेकिन उनकी बद्दुआ से इस परिवार का अमंगल होगा। देखिए, बेटा बेटी के साथ ही हमारा परिवार है, इसलिए कह रही थी जरा दाम बढ़ा देना सही नहीं होगा क्या? देखो माया, मैं व्यापारी हूँ। अगर मुझे कोई चीज कम दाम में मिल रही है तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। अगर मैं भाव तोड़कर किसी चीज को कम दाम में खरीदूं तो इसमें अन्याय कैसा? कोई हालात के दबाव में आकर अपनी जमीन को उचित मूल्य से कम दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाए तो तू उसको उचित मूल्य नहीं देगा? आश्चर्य की बात है बुआ जी, मैं उसे जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो दाम देना चाहता हूँ, नीलू दासी उस दाम में राजी हुई है, तभी तो खरीदना बेचना हो रहा है। अच्छा, इसमें अन्याय की क्या बात है? उसने तो ज्यादा मांगा ही नहीं, तो मैं ज्यादा दाम क्यों दूं? व्यापारी होने के नाते मुझे इसमें कोई अन्याय नहीं दिख रहा और बद्दुआ देने का भी कोई कारण इसमें नहीं है। जुगी, प्रीतराम के अंदर एक व्यापारी होने के अलावा और कुछ नहीं बचा जो सिर्फ फायदे और नुकसान के बारे में ही सोचता है। देख प्रीतराम, मैं आज भी वही बात दोहराऊंगी। उस दिन नीलू दासी की जमीन का उचित मूल्य तूने नहीं दिया और आज उसकी बेटी को इस घर से निकाल देना उचित नहीं था। तू इस परिवार का बड़ा है, तेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है। उस दिन उस विधवा के आंसू तुझे नहीं दिखाई दिए, आज उसकी बेटी के आंसू भी नहीं देख पा रहा है। उनकी बद्दुआएं असर करती हैं, वो अनदेखा करके सब कुछ बर्बाद मत कर देना, मत कर देना, मत करना। सुनिए चाची माँ की बातों का बुरा मत मानिए, चंदर ऐसा काम कर रहा है। अभय और चंदर के बीच ये अशांति, झगड़े, सब कुछ लेकर चाची माँ बहुत परेशान है आजकल, इसलिए शायद इस तरह से बात की है। आप उनकी बातों उससे दुखी मत होइए। माया, मैं एक बात साफ साफ बता देता हूँ, उस नीलू दासी की लड़की मंगला को कोई इस घर में शरण नहीं देगा। उसने मेरे सम्मान पर चोट पहुंचाई है। वैसे मैं बहुत शांत आदमी हूँ, लेकिन मेरे मान सम्मान पर कोई दाग लगाए तो मैं उसका आखिर तक पीछा नहीं छोड़ता, किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। और जो लोग उस लड़की का साथ देना चाहते हैं उन्हें बता देना कि मैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सब लोग ठीक से ध्यान में रखें। रानी, तुम ऐसे क्यों टहल रही हो? उस लड़की की क्या व्यवस्था की आपने? ओह, समझ गया।
इसका मतलब तुमने सब देख लिया। उस लड़की का नाम है मंगला दासी, माँ नीलू दासी। उसके पति ने उसको छोड़ दिया। इधर उसके भैया ने और भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। उसे पता चला पिताजी ने कम दाम देकर जमीन खरीदी थी। अभी जमीन का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए वो पैसे मांग रही है। उसकी क्या व्यवस्था कर सकता हूँ बताओ? लेकिन ये पूरा महल उनकी जमीन पर बनाया गया है। उससे क्या रानी, ये जमीन तो पिताजी ने खरीद ली थी और उसके कागज भी मौजूद है। वो लड़की मूर्ख है, यहाँ आके गलत मांग कर रही है। इससे क्या हुआ बताइए, वो लड़की तो अभी मुसीबत में है, ये तो सबको पता है। और आप तो पहले उस लड़की को इस घर में शरण देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों ऐसे बदल रहे हैं? रानी, पिताजी नहीं चाहते हैं। पिताजी ने कहा है कि उस लड़की को इस घर में शरण देने से यहाँ कोई समस्या हो सकती है। वो लड़की अगर बाहर के लोगों के सामने पिताजी से पैसों की मांग करती है तो पिताजी के सम्मान की हानि होगी। पिताजी का सम्मान बचाने के लिए एक इंसान की जान चली जाएगी? वो मूर्ख लड़की हमारे घर में आके चिल्ला रही थी, लेकिन इतने महान इंसान उसे यहाँ शरण दे देते तो क्या हो जाता? रानी, तुम किसके बारे में क्या कह रही हो, ये एक बार सोच के देखो। आप मुझे गलत मत समझिए। पिताजी का अपमान करने से पहले मेरी जुबान काट दीजिए आप। लगता है पिताजी शायद सही ही कर रहे हैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस महल में कितने लोगों को शरण मिलती है, वो भी एक कोने में पड़ी रहती, अंदर महल का कुछ काम कर लेती, वो बाहर के लोगों के सामने कैसे जाएगी? देखो रानी, पिताजी इस परिवार के मुखिया है, इसलिए उन्होंने जो हुक्म जारी किया है उसे लेके कोई तर्क या सोचने समझने का कोई मतलब नहीं बनता। पिताजी बहुत दिमाग वाले इंसान हैं, वो बहुत दूर की सोचते हैं जो हम नहीं कर सकते, इसीलिए वो जो कह रहे हैं उसी को मान लेना ही हमारा मंगल होगा। चलो चलो निकलो यहाँ से। नहीं, चलो। मैं नहीं जाऊंगी। सही नहीं कर रहे हो तुम लोग, सत्यानाश होगा तुम्हारा। जमीन, गरीब की जमीन खा गए तुम लोग। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। जो के दिल में कितनी दया और करुणा है। पहले मुझे आकर प्रसाद देकर गई, फिर मेले की कहानी, नृत्य नाटक की बात करके गई। लेकिन अगर एक बार माँ काली के दर्शन मिलते तो दिल में कोई खेद नहीं रहता। देवर जी, आप माँ जी को जाकर कहिए, बहू को संभालने की जिम्मेदारी आप ले रहे हैं और कोई समस्या नहीं होगी। देखिए देवर जी, घर की बहू को इस तरह कमरे में बंद रखना सही बात नहीं है। और नानी माँ को गुस्सा आता है तो वो ऐसा ही करती हैं, जो मर्जी वही करती हैं। आप जाइए और दादी माँ से बात कीजिए। चलिए। भगवान, यहाँ पे पैरों के निशान कैसे आए? कोई छोटी बच्ची के पैरों के निशान लग रहे हैं, है ना देवर जी? आश्चर्य की बात है। इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है भाभी, हमारे घर में कितने लोग शरणार्थी हैं, हो सकता है उनमें से किसी के पैर के निशान होंगे, किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। शायद वही होगा। आप किसी नौकरानी से इसे साफ करने के लिए कह दीजिए,
भाभी माँ के पास चलिए, ये सब बाद में सोचेंगे, पहले रानी के मुसीबत का हल निकालते हैं। चलिए करती हूँ, मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर पाऊँ देवी माँ। देवर जी को लेकर आई हूँ, मुंह लटका कर बैठे थे बाहर के कमरे में। बड़ी बहू, तुमने जरूर सब कुछ सुना होगा। हाँ माँ, सब कुछ सुना है, इसीलिए तो कह रही हूँ। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया माँ? बहू की भक्ति की वजह से हम लोग हर समस्या से निकल पाए हैं, और उसी को इस तरह से कमरे में हम लोगों ने बंद करके रखा है। माँ, मैं ये सब भक्ति श्रद्धा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि एक बात तो आप लोग मान नहीं रहे हैं, कोई इंसान स्वतंत्र तरीके से कुछ सोच नहीं सकता है क्या? और आप लोगों को तो पता है रानी के दिल में कितनी दया है, कितनी करुणा है। उस लड़की की दशा देखकर रानी सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसे शरण दी थी। आप ही बताइए, क्या ये बहुत बड़ा अन्याय है? चंदर बेटा, क्या मैंने ऐसी बात की है कभी? तू बता। लेकिन लेकिन तू ये तो मानेगा ना बेटा, तेरे पिताजी की बात इस घर गृहस्थी की आखिरी बात है, और छोटी बहू ने उनकी बात का उल्लंघन करके अन्याय किया है, ये तो सच बात है। माँ, ऐसे ही बातें बढ़ती हैं, जो होना था वो तो हो चुका है, अब आप जाइए, बहू को लेकर आ जाइए। मैं छोटी बहू को वापस ले आऊं, लेकिन मैं जानती हूँ माँ, ससुर जी बहुत गुस्से में है और उनका दिमाग गरम है, तो इसलिए आप लोग बहू के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। बहू की बात एक बार तो सोच के देखिए माँ, उस लड़की का दिल बहुत कोमल है, उसके दिल में पता नहीं अभी क्या चल रहा है, आप कुछ ना कुछ कीजिए माँ, देखिएगा सब सही हो जाएगा। दीदी, ओ दीदी, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ, लीजिए पकड़िए। ओ माँ, तुम तो थोड़ी देर पहले आके प्रसाद देकर गई, अब फिर से? मैं कब आई थी दीदी? मैं तो अभी लौटी हूँ, और लौट के सीधा आपके कमरे में आई हूँ। क्या कहा, तुम तो मेरे साथ कितनी सारी बातें करके गई, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम, बताओ तो? नहीं दीदी, मेरा विश्वास कीजिए। सरजू, किस विश्वास और अविश्वास की बात कर रही है? देखिए ना दादी माँ, मैं तो अभी लौटी हूँ, ये बात दीदी विश्वास ही नहीं कर रही है। अच्छा ओ माँ, अभी तो लौटी हो,
फिर किसने मुझे सती माँ के बारे में कहानी सुनाई? वहाँ पर नृत्य नाटक हुआ था ना? हाँ, सही बात है, वहाँ तो शक्तिपीठ को लेकर नृत्य नाटक हुआ था। मैं तो सब कुछ देख कर आई हूँ। मैंने सोचा यहाँ आके दीदी को कहानी सुनाऊंगी। लेकिन दीदी, आपको कैसे पता चला? बोलिए, किसने सुनाया आपको? मैंने कहा ना, तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी। रानी, तुमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है ना? भूल के सिवा और क्या है? भूल के सिवा और क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा, दास महल के सामने पालकी आकर रुकी, सरजू बहू उतरी। लेकिन छोटी बहू झूठ बोल रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। क्या हुआ है ये मैं बता सकता हूँ। रानी अकेली बैठ के कालीघाट के बारे में सोच रही थी और उसका कालीघाट जाने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए सपने में देखा कि सरजू बहू वापस लौट के कालीघाट की कहानी सुना रही है। जागते हुए सपने देख रही थी और क्या। सपना? तो फिर मुझे ये प्रसाद देकर कौन गया? देखिए, अलौकिक घटना हुई है। प्रसाद यहाँ आया कैसे? कौन देकर गया है? मेरे पास कोई आई थी जो मुझे प्रसाद देकर गई, लेकिन मैंने उसे सरजू समझ के गलती कर दी। मैं उसको पहचान नहीं पाई। क्यों ऐसे बिना मतलब की बात कह रही हो रानी? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी माँ काली पत्थर की मूर्ति से निकलकर सरजू बहू के वेश में आकर तुम्हें प्रसाद देकर गई है? और सिर्फ प्रसाद ही नहीं, तुम्हें शक्तिपीठ की कहानी भी सुना के गई है? ये कैसी बात कर रही हो रानी? किसी इंसान के अंदर इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है? चंदे, फिर से तू भगवान के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है। कुछ तो हुआ ही है, ये तो समझ में आ ही रहा है। नहीं तो वो प्रसाद छोटी बहू को कहां से मिला? जरूर कोई यहाँ आके वो प्रसाद देकर गया है। माँ, आप लोगों के इस अंधविश्वास की वजह से। रहने दे चंदा, रहने दे। ये बात साफ साफ समझ में नहीं आ रही है। मैं तो गुरुदेव को खबर भिजवाती हूँ, वो यहाँ आकर हम सबको ये बात समझा कर जाएंगे। मुझे इस बात का पता करना ही पड़ेगा। प्रणाम। कल्याण हो। आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपके लिए दान की व्यवस्था करवाता हूँ। आज हमें इंतजार करने के लिए मत कहिएगा, हम लोग माँ के आदेश से एक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए आए हैं। उत्तरदायित्व? माँ के भोग का प्रसाद पहुँचाने के लिए आए हैं। माँ ने हमें यहाँ जबरदस्ती भेजा है।